गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग शिवम, मनीषा, रुजुल, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी आओ, जो जहां है जल्दी फटाफट उठा के लाओ। आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग। कहाँ है भाई बाकी सब लोग? निर्मल कुमार, गुड इवनिंग। आज की क्लास होने वाली बहुत ज्यादा फन, क्योंकि आज की क्लास है ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, जिसकी आपको यहाँ मिल रही है डेमो क्लास। ठीक है, जिसकी आपको यहाँ मिलेगी डेमो क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ यार, कम से कम जुड़ तो जाओ, बाकी तो बाद में देखेंगे। फाइन, गुड इवनिंग मनीषा। जल्दी 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 जल्दी, कभी भी मैम ने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया है। गुड इवनिंग मुनीर, गुड इवनिंग मीकी पुंज। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग गुड। बाकी तुम लोग बढ़िया से लाइव आओ, फिर देखते हैं कितना अच्छा फील होता है। गुड इवनिंग दीप्ति, शिल्पा, गुड इवनिंग सोमपाल। अरे वाह, बड़े अच्छे पढ़ रहे हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेशनल विक्टिम, किस चीज के विक्टिम हो यार तुम? नेशनल विक्टिम, गुड इवनिंग। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। आज के सेशन है इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। इसमें मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ ये दिखाने के लिए। इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। नमस्ते 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 मेरी तरफ से, राम राम। जल्दी से शेयर करो, जो जहां है उसको उठा के लेके आओ, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा कोर्स आ रहा है उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बताएंगे, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं दिखाऊंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ ये दिखाने के लिए, जो डायरेक्टली आए हैं। लाइक कर दिया मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग रितु, गुड इवनिंग आदिल, हर हर महादेव, राम राम भाई, राम राम संतोष। मिस्टर बोस, गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ो। आज की मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ आज की क्लास में। और आज की क्लास का मतलब यही है कि तुम्हें एक आइडिया होगा कि ज्योग्राफी में मतलब तुम सब कुछ नहीं भी पढ़ पा रहे। ये मैम ये फ्री बैच रहेगा, नहीं बच्चे ये पेड है, जो ये जो हमारा बैच है ये पेड है, बट बहुत ही कम पैसों में है। ये पेड है और बहुत ही कम पैसों में है, 8,700 के आसपास कुछ पड़ेगा, ठीक है। उसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे, पहले आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ। मैम आपके कंसेप्ट जबरदस्त है, थैंक यू सो मच। मैम ये फ्री बैच रहेगा, नहीं जो हमारे यूट्यूब पे क्लासेस आती है वो फ्री है, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये बच्चे पेड बैच है, बट बहुत ही कम पैसों में है, सिर्फ 8,700 कुछ में है, ठीक है। ये हमारा जो फाउंडेशन बैच आ रहा है, आज उसकी डेमो क्लास है जो मैं ले रही हूँ। जैसे कल एक मैम ने हिस्ट्री, मैम वाली मैम ने हिस्ट्री की ली थी, ठीक है। तो जो कल से हमारा डेमो बैच आ रहा है शाम को 6 बजे, उसकी ये डेमो क्लास है। ये फ्री नहीं होगा, इसमें पैसे है बट बहुत ही कम है, नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग, क्या बात है, खुद ही लाइक कर दिया, खुद ही शेयर कर दिया। बाकी सब बच्चे कहा है, बुला के लाओ सबको। जो हमारा बच्चे लिंक जो है वो आपको आ रहा होगा चैट में, आप डायरेक्टली यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ये इतने का तभी पड़ेगा जब आप पहली बात तो इसे कहां से करेंगे, ऐप से करेंगे। कहां से करेंगे? ऐप से, ऐप से करेंगे। और उसके बाद जल्दी से मेरा कोड बताओ चैट में, मैम का कोड क्या है जल्दी बताओ। चरण स्पर्श गुरु जी, थैंक यू सो मच। अभय, राजीव कुमार, गुड इवनिंग। मेरा कोड लगाओ, जल्दी से बताओ मेरा कोड क्या है। इतना मेरा कोड, गुड इवनिंग हलीमा, गुड इवनिंग। मेरा कोड है बच्चे वाई, क्या है कोड? Y999। किसी बच्चे ने आज लिया भी था Y999 का। यदि आप कोड लगा के इसे परचेज करेंगे आज रात के लिए ही है ये, तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ 8,700 कुछ का, ठीक है। अरे वाह, Y999। बच्चे फाउंडेशन कोर्स है ना ये भी, तो देखो सिर्फ प्री का नहीं है, फाउंडेशन है ना, इसीलिए यार एसएससी का नहीं है, यूपीएससी का है, फाउंडेशन है। फिर यदि इतना सस्ता मिलेगा तो फिर कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ये भी तो देखो आप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना, कंटेंट नहीं मिलेगा उतना अच्छा, क्योंकि आपको टीम भी अच्छी चाहिए, फैकल्टी भी अच्छी चाहिए, फिर आपको आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होगा, सी सेट बी सी में होगा, प्री पूरा होगा, मेंस भी पूरा होगा। आप ये भी तो देखो आपको मिल कितना रहा है। और आपको ये भी पता है कि जो महापैक है, जितने भी महापैक है सब पे डबल वैलिडिटी है। इसका क्या है कि आज के बाद यदि आप खरीदोगे तो ये महंगा पड़ेगा, सिर्फ आज रात के लिए है ये।
हाँ बिल्कुल बताया जाएगा विपुल, तैयारी कैसे शुरू करें। इनफैक्ट आप 1-to-1 सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही है, मेंटरशिप मिलेगी आपको। क्या मिलेगा? मेंटरशिप मिलेगी आपको। क्या मिलेगा इसमें? मेंटरशिप मिलेगी, यानी कि 1-to-1 किसके साथ? फैकल्टीज के साथ। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी बुक से स्टार्ट करें, कहां से पढ़नी है, बिल्कुल इसमें बताया जाएगा। चलो अब आते हैं कि इसका हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है और ये बाकी से अप्रोच कैसे अलग होगी। देखो पहली बात तो मैं इसमें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके अलावा साइंस एंड टेक वाला पार्ट ले रही हूं। तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट आप लोग मेरी यूट्यूब पे क्लासेस देखते हो, इसमें अलग क्या होने वाला है? क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती, मैं कोशिश करती हूं लेकिन आप तो, हाँ मैं बता रही हूं। तो इसमें क्या अलग होगा बच्चे, देखो आप लोग मेरी डेली यूट्यूब पे क्लास लेते हो, इसमें डिफरेंट क्या होगा? कोई भी फैकल्टी जो आपको ऑलरेडी पढ़ा रही है इसमें और उसमें डिफरेंट क्या होगा? इसमें क्या होता है कि हर बच्चे का सवाल जवाब, कोशिश तो हम लोग बहुत करते हैं लेकिन हर बच्चे का जैसे आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन ये सब नहीं हो पाता है, उसके लिए ये लेके आए हम लोग कि कुछ बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो नहीं ले सकता इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैंने तो कभी कहा ही नहीं है कि ले लो भाई, मैं कह रही हूँ जो नहीं ले सकता उसको यूट्यूब पे फ्री बैचेस चलती है हमारी सुबह से शाम तक, आप वो लीजिए, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए, ठीक है, ओनली इफ यू कैन अफोर्ड। यदि आपके पास पैसे है और आप लेना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। वैसे हमने पहले डिस्कस किया था, आज हम देखते हैं ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम इतना ज्योग्राफी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये पता चलती है। मैम हिंदी में होगा, मैम हिंदी में होगा या इंग्लिश में? बाईलिंगुअल होगा, बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल होगा बच्चे। बाईलिंगुअल का मतलब है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं प्रीलिम्स 2015 से 20 के बीच में, सिर्फ पिछले 7 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी से, क्यों ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट है, हम जो कहते हैं ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी, ठीक है, जो हम बार बार कहते हैं ना ज्योग्राफी 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 इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ज्योग्राफी, ये यहां से पता चलेगा कि ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो 2022 में सिर्फ ज्योग्राफी ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन आए थे, यदि इसमें आप एनवायरमेंट भी ऐड कर दोगे तो मैंने पहले ही बताया 30 से 35 क्वेश्चन जो है ये सिर्फ इसी हिस्से से आते हैं, ठीक है। बाकी देखो साइंस एंड टेक है, इको है, उसका क्या होता है? ऊपर नीचे होता रहता है। नहीं बिल्कुल हो सकती है यार, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, बिना किसी भी चीज के हो सकती है। देखो आपके अंदर जुनून होना चाहिए पढ़ने का, थोड़ा बेयर मिनिमम लगता है, बाकी इतनी सारी यूट्यूब पे हमारी सुबह से शाम तक फ्री क्लासेस चलती रहती है तो बिल्कुल हो सकता है। गुड इवनिंग स्टूडियो आरके, ठीक है। तो देखो 2022 में ही 13 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 12 क्वेश्चन आए थे, 20 में 17 क्वेश्चन आए थे, ये ज्योग्राफी का है। इसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट प्लस जो तुम्हारा पेपर 3 है मेंस का वो मिलके आते हैं, ठीक है। अरे तो ये इंट्रोडक्शन है क्लास है ना, ये बच्चे इंट्रोडक्शन क्लास है ज्योग्राफी का, जो पेड बैच है, हर बच्चा नहीं होता ना फर्स्ट क्लास में, तो ये उसके लिए है कि उसको पता चले कि ज्योग्राफी में कितना हिस्सा आता है। 14 14, देखो 18 में भी 14 क्वेश्चन आए थे, जो 19 है उसमें भी 14 क्वेश्चन आए थे, तो ये वाला पार्ट ऐसा है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है यू कांट इग्नोर इट। ठीक है, अब देखो इसमें ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट और प्लस मैपिंग वाला सेक्शन भी है इसी के अंदर, तीनों का ओवरलैप है। गुड इवनिंग, देखो इसमें, देखो 2022 में कितने क्वेश्चन थे हमारे पास? 13, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है, कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, यदि हम पिछले 10 साल को देखे तो। जैसे कि कौन सा पार्ट है? क्लाइमेटोलॉजी। यदि क्लाइमेटोलॉजी आप देखोगे तो इसमें 10 साल में से 25 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन किसमें ऐसे आए हैं? क्लाइमेटोलॉजी में से, यानी कि हर साल के मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, हर साल के मिनिमम 2 क्वेश्चन। आज बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कौन सा हिस्सा है जो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाला हिस्सा है। YouTube पर डेली चलेगी क्या? हाँ बच्चे डेली चलेगी, YouTube पे डेली क्लासेस होती है सुबह से शाम तक, बहुत सारे बच्चे आते हैं, डेली होती है, ठीक है, डेली होती है। यहां पे देखो तो देखो क्लाइमेटोलॉजी में से कितने क्वेश्चन आए? 25 क्वेश्चन आए हैं। ओशनोग्राफी में से देखो 10 क्वेश्चन आए, जिसमें से लास्ट 3 से 4 साल में आए सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, ये 3 वो वाले हिस्से जो आप इग्नोर नहीं कर सकते,
ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो आप ये क्वेश्चंस, ये वाला जो हिस्सा है बच्चे, ये तीनों तैयार कर लोगे तो ज्योग्राफी के 70-80% जो क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे, ठीक है, 70-80% क्वेश्चंस जो है वो हो जाएंगे। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हो गया। अब देखो मैं हमेशा जो कहती रहती हूँ कि पिछले साल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली रिपीट होते हैं, जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगी, ये क्वेश्चन आया था इस बार 2022 में, ठीक है, यदि आपने किसी ने भी 2022 का पेपर देखा होगा तो 2022 में क्वेश्चन आया था, इसका मैं एक सेकंड में जवाब दूंगी। 2022 में एक क्वेश्चन आया था, देखो इसमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो पक्षी नहीं है, इसमें से पूछा था, देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, गोल्डन भैंसीर नहीं है, इंडियन नाइट जारी नहीं है, स्पून बिल नहीं है, सफेद इबिस, इनमें से कौन सा नहीं है, पक्षी नहीं है, ठीक है। यदि आपने पुराने क्वेश्चन किए होते तो 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ दो साल के अंतराल में देखो 2019 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा था इनमें से गोल्डन मशीर के ऊपर कि ये कहां मिलती है। यदि आपने इसके हर एक जानवर को अच्छे से किया होता, हर को, तो आपको इसका आंसर पता होता डायरेक्टली। ठीक है, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए कहती हूँ, मैं मेंस का भी बताऊंगी कि मेंस में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली यहां से आते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया था, इसमें से पूछा था कि वाइल्ड लाइफ दे रखी है और कहां कहां मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन था ब्लू फिंड मशीर, कावेरी रिवर में मिलती है, इरावदी जो डॉल्फिन है चंबल में मिलती है, रस्टी स्पॉटेड कैट जो है ये ईस्टर्न घाट में मिलती है, ठीक है। तो सेकंड वाला गलत है, क्योंकि हमें पता है इरावदी कहां की नदी है, म्यांमार की, जो इरावदी है वो म्यांमार की है। यदि आपको सेकंड वाला पता है तो देखो ये वाला एलिमिनेशन से चला गया, ये भी चला गया, तो आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है, आंसर क्या हो गया, सी हो गया इसका। यदि ये वाला क्वेश्चन आपने करा था तो देखो 2022 में सीधा क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली, इसमें क्या पूछा है डायरेक्टली, चेनाब है बच्चे, डायरेक्ट जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो चेनाब रिवर है। ये वाला देखो, इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आया था नेक्स्ट ईयर, ये क्वेश्चन जो है ये 2020 में पूछा था, और इससे पहले ये वाला जो सेम क्वेश्चन है, पूछा गया था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी पे, इस बार भी सेम क्वेश्चन पूछा है, ये 2020 में पूछा था, फिर 2020 और 22 देखो सेम पूछा हुआ है। गुड इवनिंग, देखो सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये मैं बार बार आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा रिलाई करें, और ये जो हमारा बैच आएगा इसमें हम यही करने वाले हैं कि आपको हर संडे आपका जो भी जिस दिन आपकी मैराथन होती है उस दिन आपका या तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है या तो उसके प्री का होगा, या तो प्री में जो आए थे या तो उसकी मैराथन होगी या जो मेंस में आए थे उसकी होगी, ठीक है। ये हो गया यहां से। अब देखो इन्होंने क्या पूछा था 2020 में, क्वेश्चन में पूछा था कि जो ग्राउंड वाटर इंडिया में जो 36% जो जिले हैं वो उनको क्या बोलते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड है, यानी कि वहां जो पानी है, ठीक है, वहां जो पानी है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका है, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकाल, ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल लिया है, तो पानी वहां पे कैसा है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है, कैसा है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है ये वाला, ठीक है, और इसीलिए क्या है, क्रिटिकल है, और ये किसने कहा है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने कहा है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में दिया था कि ये अथॉरिटी किसके अंडर बनी थी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसके अंडर बनी थी, क्या किसके अंडर बनी थी, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अंडर बनी थी। और फिर तीसरी स्टेटमेंट दी हुई है आपको कि इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया है जो ग्राउंड वाटर है वो कहां है, इरिगेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज्यादा किस में जाता है, सिंचाई में जाता है, इरिगेशन में जाता है। यदि आपने क्वेश्चन ढंग से किया होता तो यहां देखो सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा है 2022 में भी। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है, कौन सी ऐसी संस्था है जो पर्यावरण सुरक्षा एक्ट जो 1986 का है उसके अंडर आई थी, ऐसी कौन सी है जो डायरेक्टली उसके अंडर आई थी। अब देखो, अब आपको पता है यदि आपने 2020 वाला पेपर किया है तो 22 वाला कितना ईजी आपको डायरेक्टली पता है, तीसरे नंबर वाली जो बॉडी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी डायरेक्टली उठाया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली उठाया हुआ है। गुड इवनिंग बच्चे।
सीधा क्वेश्चन उठा के यहाँ पे पूछा हुआ है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये फाउंडेशन बैच है, क्योंकि जब यूट्यूब पे आप पढ़ाते हो तो इतना टाइम नहीं होता है जनरली जो फैकल्टीज है उनके पास, क्योंकि उनको एक टारगेट भी दिया होता है जो कंप्लीट करना होता है। लेकिन फाउंडेशन बैच में क्या है, जब आपको पेड कोर्स मिल रहा है उसके अंदर क्या है, जो फैकल्टीज है उनको एक लंबा टाइम मिलता है 2 से 2.5 घंटे का, तो उसमें वो टॉपिक भी जो है डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि लंबी क्लास चलती है। 1 आवर की क्लास में क्या होता है, जो यूट्यूब पे होती है उसमें बच्चा आता है, टीचर आता है, और उसमें आपको टॉपिक भी कराना होता है, उस चक्कर में ये वाला पार्ट छूट जाता है। प्लस आपको जो हमारी खुद की टेस्ट सीरीज है वो भी मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को सी सेट में प्रॉब्लम होती है, वो भी आपको सी सेट यहां कराया जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया था, देखो बिल्कुल सेम, ये 2020 में जो पूछा था वही दोबारा इस साल पूछा है 2022 में। 2020 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि यदि कोई प्लांट की स्पीसीज है, मान लो कोई प्लांट है जो पौधा है उसका एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। बच्चे प्रीति जो पेड कोर्स है वो कल से स्टार्ट है, जो पेड कोर्स है वो कब से स्टार्ट है, वो कल से स्टार्ट है, ये वाला जो हमारा पेड कोर्स है ये कल से स्टार्ट है, कल शाम को इवनिंग में स्टार्ट है 6 बजे से। कहां से स्टार्ट है, कल शाम को 6 बजे से स्टार्ट है इवनिंग में। इसमें आपको ये सारी जो हमारी फैकल्टीज है, इसमें एक आईएएस ऑफिसर सर भी है, ठीक है, जिनकी खुद की अपनी रैंक है, वो आपको एथिक्स पढ़ाएंगे, उसके अलावा जितनी भी हमारी फैकल्टीज है वो सब आपको कराएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, प्री होगा, मेंस होगा, सी सेट भी होगा, ठीक है। और ये आपको सिर्फ कितने में पड़ेगा, 8700 के आसपास कुछ बनेगा पड़ेगा, यदि आप इसको अड्डा की ऐप से करेंगे और यदि आप कोड लगाएंगे Y999, ठीक है प्रीति। आगे देखते, देखो यार आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन था देखो ये 2020 में भी पूछा था यूपीएससी ने, इसने कहा था कि यदि कोई पौधे की स्पेशल प्रकार की कोई स्पीसीज है, यदि कोई पौधा है, यदि आपको जैसे डायरेक्टली आपको ज्वाइन करना है तो देखो लिंक आया हुआ है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो। देखो इसमें पूछा था कि यदि कोई प्लांट की स्पीसीज है जिसको शेड्यूल 6 में रखा हुआ है, कौन सी सूची में रखा हुआ है, 6ठी में। आपको पता है जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है ये क्या है, 1972 वाला, इसके अंदर 6 सूचियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और 6ठी। और ये जो सूचियां ये किस बेस पे बनी है कि किस जानवर को कितना खतरा है, ठीक है, किस बेस पे बनी है कि किस जानवर को कितना खतरा है, उसके बेसिस पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और 6ठी। ये जो 6ठी वाली है इसके अंदर है पौधे, इसके अंदर क्या है, पेड़ पौधे। क्या है इसके अंदर बच्चे, इसके अंदर है पेड़ पौधे, ठीक है। नहीं बच्चे एथिक्स नहीं होगा यूट्यूब पे जहां तक मुझे पता है, बाकी आपको यदि होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एथिक्स जो है वो मेंस का सब्जेक्ट है, यदि होगा तो आपको बताया जाएगा, बट पेड कोर्स में आपको एथिक्स मिलेगा और जो सर है वो ही कराएंगे, जो इनकी खुद की मैंने बताया उनकी खुद की अपनी रैंक है, उन्होंने क्लियर किया हुआ है, तो उनसे अच्छा कौन ही पढ़ा सकता है यार, वो तो सबसे अच्छा पढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसके अंदर जो 6 सूचियां है इसमें से जो 6ठी सूची है इसके अंदर किसको रखा है, पेड़ पौधों को। इसमें वो पेड़ पौधे हैं जिनको आप नहीं उगा सकते, जिनको आप बिना परमिशन के नहीं उगा सकते। कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको आप बिना परमिशन के नहीं उगा सकते। हाँ बच्चे स्टूडियो आरके ये जो प्रोग्राम है ये मेंस वालों के लिए ही, मेंस प्लस प्री तीनों के लिए, देखो मेंस भी है, प्री भी है और सी सेट भी है। इसके अंदर आपको 900 यहाँ पे देखो 900 प्लस घंटे की इंटरेक्टिव क्लास मिलेगी और जो भी होगा उसके बाद 1-to-1 डिस्कशन मिलेगा। ये प्री को टारगेट करता है, मेंस को भी करता है, प्लस सी सेट जो कि इतने सारे बच्चों आजकल आपको पता ही है मैक्सिमम जो जीएस वाले बच्चे वो सी सेट में सबसे ज्यादा फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये प्री को भी करता है, मेंस को भी करता है और आपको सी सेट भी मिलेगा प्लस मेंटरशिप भी मिलेगी। लेकिन देखो कल से स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले आपको एनरोल करना पड़ेगा, उससे पहले एडमिशन कराना पड़ेगा, वरना आपकी क्लास छूट जाएगी, फिर आपको बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। तो प्री, मेंस, सी सेट और प्लस आपको मेंटरशिप तीनों मिलेंगी और ये भी सिर्फ और सिर्फ कितने में, 8700 रुपए में, सिर्फ 8700 रुपीज में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी और प्लस आपको जो डेली की डेली जो भी आपको उसकी पीडीएफ दी जाएगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उनका टेस्ट होगा हर संडे को, जो भी आपको प्री का टेस्ट होगा, मेंस का टेस्ट होगा, वो वाला इसमें रहेगा,
ठीक है, ये वाला हो गया, ये फिर से मैं बता रही हूँ सिर्फ 8,700 में, लेकिन वो तब है तब आप ऐप से करेंगे। यूपीएससी का जो बैच है उसको यदि आप अड्डा 24/7 की ऐप से करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में पड़ेगा ये, 8,700 में, लेकिन उसके लिए कोड लगाना पड़ेगा Y999। ठीक है, इसमें आपको हिस्ट्री के टीचर मैम को आप जानते ही हैं, अंकित सर हैं, इनको आप जानते हैं, मैं हूं, ये नवीन पंकज सर है जो आपको सुबह करंट अफेयर पढ़ाते हैं, ये हमारे IAS ऑफिसर सर है जो आपको एथिक्स पढ़ाएंगे। बच्चा दोनों भाषाओं में पढ़ाते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना जो YouTube पे आते हैं वो हिंदी के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं। ठीक है, यदि आप सिर्फ शुद्ध हिंदी में पढ़ाओगे तो इंग्लिश वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने जो रखा है वो बाइलिंगुअल रखा है, क्योंकि बाइलिंगुअल में दोनों की हेल्प होती है, हिंदी वालों की भी और इंग्लिश मीडियम वालों की भी। डिस्काउंट ये बच्चे, ये डिस्काउंट के बाद ही बता रही हूँ आपको, डिस्काउंट के बाद ही बता रही हूँ, वरना ये बैच है 39,900 समथिंग का, लेकिन यदि आप इसे अड्डा की ऐप से करेंगे, अड्डा की ऐप से करेंगे तो आपको प्लस यदि आप कोड लगाएंगे Y999 तो आपको ये इतने में पड़ेगा। यार किसी इंस्टीट्यूट में जाके कभी फीस पता करना, ठीक है, कभी किसी इंस्टीट्यूट में, अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाके यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स जो है उसकी कभी फीस पता करना, तो पता चलेगा कितनी महंगी होती है इसकी प्रिपरेशन। मतलब ऐसे बोलते हैं कि माँ बाप की कितने सालों की तनख्वाह और कमाई चली जाती है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन पूछ रहे ना इसलिए बताना पड़ता है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो, फिर यदि मैं नहीं बताऊंगी तो मेरे डेमो क्लास का फायदा क्या हुआ, एक बात बताओ। यदि आप लोगों में से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, यदि मैं नहीं बताऊंगी तो वो बच्चा ही सोचेगा ना कि आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे, वरना जो मैं सुबह से शाम तक जो क्लास होती है उसमें मैं कभी बताती हूँ बैच के बारे में, क्योंकि ये कल से शुरू हो रहा है और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो बेसिक्स के लिए है। किसके लिए? बेसिक्स के लिए। यदि आप 12वीं क्लास में हो और आपको 3 साल का टाइम मिल रहा है, 3 इयर्स का, ठीक है, 3 साल का टाइम है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, जब डायरेक्टली आपको अच्छी और एडवांस बुक कराई जाएगी। हाँ, जो डेली जो क्लास होगी साक्षी वो 6 से 8:30 बजे तक होगी और हर सब्जेक्ट की होगी, जैसे पहले एक सब्जेक्ट की होगी, फिर दूसरे सब्जेक्ट की होगी, फिर तीसरे सब्जेक्ट की होगी, और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट प्री प्लस मेंस दोनों के कवर कराए जाएंगे। क्या नहीं दिया पांडे जी, क्या नहीं मिला आप लोगों को बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये वाली जो है ये इसी के बाद, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो इसलिए बता रही हूं मैं। और इसमें जो है बच्चे ये डेली होगी शाम को 6 से 8:30 बजे तक, और आपका सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तब आपको फायदा होगा एनसीईआरटी का, जब आपके पास पूरे 3 साल का टाइम है आराम से बेसिक। मैं ये नहीं कह रही कि एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, जरूरी है, लाइक दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, जरूरी है, लेकिन तब तब आपके पास बहुत सारा टाइम हो, अभी टाइम ही नहीं है ना। हाँ, जो बाकी टाइम है उसमें YouTube पे तो चल ही रहा है फ्री कोर्सेज, लेकिन YouTube पे देखो 1-to-1 मेंटरशिप करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनमें सबका वो करना पॉसिबल नहीं होता, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर भी चाहिए होते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको डाउनलोड का ऑप्शन भी चाहिए होता है, तो वो सब आपको इसमें मिलता है। हाँ, इसमें जो आज हमारा जो महापैक है बच्चे, जो महापैक है वो 2 साल का है, उस पर डबल वैलिडिटी है, जो महापैक है उस पर आज डबल वैलिडिटी है, मतलब यदि आप आज खरीदोगे तो आपको 2 साल के लिए मिलेगा, वो कितने साल के लिए मिलेगा, 2 साल के लिए, जिसके अंदर हमारा फाउंडेशन बैच भी है। ठीक है, यदि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करोगे तो आपको बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको पीडीएफ मिला करेगी ना, जो टीचर पढ़ाता है उसकी पीडीएफ मिलेगी ना आपको, तो आपको बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसके अलावा आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ा करेगी। हाँ, यदि आपके पास 3 साल का टाइम है तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी पढ़ो, अपने बेसिक्स तैयार करो, और उसके बाद जब आपको लगता है आपके बेसिक्स तैयार हो गए उसके बाद आप एडवांस बुक पे चले जाओ। यूट्यूब पे पूरे दिन क्लास चलती है, यूट्यूब पे पूरे दिन क्लास चलती है बच्चे, पूरे दिन चलती है यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे सुबह से शाम तक रहती है, सुबह करंट अफेयर की क्लास रहती है, फिर करंट अफेयर की जो क्लास है उसके बाद
ठीक है, जो सुबह उसके बाद करंट अफेयर के बाद इको की होती है, फिर मेरी होती है, फिर अंकित सर की पॉलिटी की होती है, तो यूट्यूब पे सुबह से शाम तक रहती है। ठीक है, देखो अब ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, जो ये वाला जो क्वेश्चन था जो शेड्यूल 6 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इसकी इम्प्लीकेशन पूछी थी और इन्होंने चार ऑप्शन दिए थे। ये क्वेश्चन आया था 2020 में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि यूपीएससी सीएससी 2020 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो कब आया था ये, यूपीएससी 2020 में आया था। इसने सबसे पहला बोला कि किसी भी पेड़ पौधे को उगाने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरे में इसने लिखा था कि ऐसा प्लांट जो है उसे किसी भी हालत में इसमें लिखा हुआ है किसी भी हालत में उसे नहीं उगाया जा सकता। देखो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, किसी भी हालत में नहीं उगाया जा सकता। तीसरे में लिखा हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप प्लांट है सिर्फ वही है ये, और ऐसे जो प्लांट है वो इन्वेजिव होते हैं और जो हमारा इको सिस्टम है या जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है इसमें कि वो हमारे, ये सेम यदि आपने 1972 का यदि एक्ट तैयार किया 2020 का क्वेश्चन देख के, तो देखो इस साल बिल्कुल सेम इसी पे क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आया था 2022 में, इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में पूछा था कि इनमें से जो ये सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसके बाद यदि किसी एनिमल को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको उतनी ही प्रोटेक्शन मिलती है जितनी की किसी और को मिलती है, वो जंगल के चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। यदि शेर जंगल के अंदर भी है तो भी उसे उतनी ही प्रोटेक्शन मिलेगी, यदि वो जंगल के बाहर है तो भी उसे उतनी ही प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद तीसरे पे लिखा हुआ है कि एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज अ सफिशियंट ग्राउंड फॉर कैप्चरिंग और किलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब इस एक्ट के तहत हमने मान लो जो टाइगर है उसको प्रोटेक्शन दे रखी है, तो ये कह रहे हैं कि यदि वो टाइगर इंसान को या मानव जो इंसान है यदि उसके लिए वो हार्मफुल है, यदि उसकी जान को खतरा है उससे, तो हम उसे मार सकते हैं। ठीक है, यदि उसको जान को खतरा है तो हम उसे मार सकते हैं, उसे किल कर सकते हैं, ये सफिशियंट ग्राउंड है इसका। ठीक है, ये क्या है, इसका सफिशियंट ग्राउंड है, यदि आप चाहो तो उस पर उसको किल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन आया हुआ था सिर्फ 2 साल के अंतराल में। ठीक है, और ये सिर्फ प्री में नहीं है, मेंस में भी बिल्कुल सेम है। जो मेंस है जिसमें हमारे चार पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। GS4 जो एथिक्स का है, GS3 जिसमें अपनी इको साइंस एंड टेक आती है, GS2 जिसमें अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस आती है, और GS1 जिसके अंदर ज्योग्राफी और हिस्ट्री आती है। इसमें 2022 या 2021 का पेपर की बात करो तो पिछले साल के 12 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहीं से पूछे थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहीं से पूछे थे। उसके बाद देखो इस वाले में, उससे पिछले साल तो और भी 17 या 18 क्वेश्चन ऐसे थे 2020 के पेपर में जो यहीं से पूछे गए थे डायरेक्टली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप ये करते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि यूपीएससी आपसे किस डायरेक्शन में पूछना चाह रहा है, और जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो उसको पूरा डिटेल में किया करो। ठीक है, जब भी आप वहां पे करते हो तो पूरा डिटेल में किया करो, कि जैसे मान लो 1972 के एक्ट पे पूछा है तो उसको पूरा डिटेल में करना है। ठीक है, कि एक्ट पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में पूरा पूरा एक प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद उसके पूरे नोट्स निकालिए। अब यदि उसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो प्री में आए या मेंस में, आपका आंसर रेडी है। ठीक है, चाहे वो प्री में आए या मेंस में आए, आपका आंसर जो है उस पर पूरा रेडी है उस टॉपिक पे। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप डायरेक्टली करो। अब GS2 और GS3 में आपको पता ही है ये पूरा करंट बेस होता है, और जो हमारी पेड क्लास होगी उसमें आपको करंट की ई बुक्स मिलेंगी, जो पेड होगा उसमें आपको ई बुक्स मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो पूरा होगा इसमें आपको करंट। फिर इसके बाद आपको करंट कहीं और से करने की जरूरत नहीं, ना आपको न्यूज पेपर करने की जरूरत है। अभी पूछो क्वेश्चन, क्या पूछते थे बच्चा, जब पढ़ाते हैं तो कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है ना, कुछ बताओ क्या डाउट है जल्दी से पूछो। क्या रिपीट करना है बताओ एक बार, मिकी अभी पूछो आप क्या पूछ रहे थे बताओ।
जल्दी बताओ क्या पूछ रहे थे, पूछो जल्दी से डाउट, फिर अभी मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, जल्दी बताओ किसी को क्या डाउट है, क्या पूछ रहे थे। हिंदी में ही मिलेगी जो मैम है, हिंदी में ही मिलेगी जो क्लासेस होती है वो हिंदी में ही होती है, ठीक है। जो जितनी भी क्लासेस होंगी ये हिंदी में ही होंगी ज्यादातर, और यदि बाइलिंगुअल होंगी या फिर होंगी बाइलिंगुअल, तो बाइलिंगुअल में क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। बाइलिंगुअल जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, क्योंकि आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, दोनों भाषाओं में होगी, बाइलिंगुअल। और जो आपका सिलेबस है वो कोशिश की जाएगी कि आपके एग्जाम से बहुत अच्छे से पहले से खत्म हो सके। जो 2023 में एग्जाम देगा उसको कैसे, उसी के लिए है बच्चे ये एक साल वाला जो कोर्स है, ये उसी बच्चे के लिए है जो 2023 में पहली बार दे रहा है अटेम्प्ट, क्योंकि उसके पास जो टाइम है वो सिर्फ 11 मंथ का है, 11 महीने का, और उसके पास गाइडेंस नहीं है, उसको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो ये जो कोर्स है ये गाइडेंस के लिए ही है मिक्की। हाँ, यदि आपको 3 साल बाद देना है तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से एनसीईआरटी या जो भी आपको बेसिक बुक पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो 2023 में या 2024 को टारगेट कर रहे हैं, अगले 2 सालों में ये कोर्स उनके लिए है, ताकि उनका बेस जो है वो अच्छा बने। आप भी यदि 2-3 साल बाद भी दे रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप 2025 को भी टारगेट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ताकि आपकी फाउंडेशन बन जाए, ताकि आपकी क्या हो, फाउंडेशन। क्लासेस लाइव होंगी, ठीक है शुभांजलि, जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, कुछ 900 प्लस आवर्स के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनके कोर्स, यदि आपको डबल वैलिडिटी वाला आप लेते हैं तो वो 2 साल तक रहेंगे आपके पास, आपको जब चाहे आप तब देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लाइव मिलेंगे प्लस रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। एनसीईआरटी पढ़ के फायदा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा टाइम जाता है, यदि आप अभी से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके पास जो 1 साल का कोर्स है वो फायदा नहीं है। यहाँ पे जो करा रहे हैं उसमें एनसीईआरटी प्लस एडवांस बुक दोनों है, एनसीईआरटी प्लस एडवांस बुक दोनों, ठीक है। यदि आपको ज्वाइन करना है तो इसका लिंक आपको पता ही है नीचे आ रहा हुआ है। अभी बताओ, अभी मैं देख रही हूँ, अभी पूछो। यदि आपके अरीशा, यदि आपकी ग्रेजुएशन में 1 साल है, यानी कि आप अगले साल दे रहे हैं, तो आप कर सकते हैं ज्वाइन बच्चे, 1 साल की ही प्रिपरेशन के लिए है फाउंडेशन, 2023 और 24 दोनों सालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, और बताओ बच्चे क्या है, मैं फिर से बता रही हूं, इसमें आपको सी सेट मिलेगा, प्री मेंस दोनों मिलेंगे, आपको मेंटरशिप मिलेगी टीचर के साथ, जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा आपको उसके साथ मेंटरशिप मिलेगी, आपको 1-to-1 मिलेगा। इसमें सी सेट कराया जाएगा संतोष, इसमें आपको सी सेट पूरा कराया जाएगा, मैं यही बता रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जीएस जो सामान्य ज्ञान है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, जिनके 120 115 होता है, लेकिन सी सेट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि सी सेट अब जो है वो पहले से बहुत डिफिकल्ट आने लग गया है, जो सी सेट है वो पहले से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का आने लगा, और सी सेट हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। यार इंग्लिश में नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों यार कहां से आए हो तो इंडिया से ही, इंग्लिश हिंदी तो समझ में आती होगी सभी को, है लैटिन इंग्लिश चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। चलो और बताए बच्चा, किसी और कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। इसमें आपकी डेली 2.5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपकी ज्योग्राफी, आपकी हिस्ट्री, आपकी इको, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ये सब आपको कराई जाएगी, एनवायरमेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये सब आपको प्री और मेंस के ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस सब कराई जाएगी। ईएमआई का ऑप्शन होगा, आई एम वेरी श्योर नदीम कि ईएमआई का ऑप्शन होगा, वो आपको पता करके बताऊंगी, ईएमआई का ऑप्शन होगा। कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर सकते पूरे का पूरा अफोर्ड, उसको ईएमआई का ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं वही कह रही हूँ संतोष, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं लेकिन सी सेट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि सी सेट का यदि आप इस बार का पेपर देखोगे तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा एडवांस मैथ पूछी हुई थी। क्या पूछा हुआ था? बहुत ही ज्यादा एडवांस
लेवल के मैथ पूछी हुई थी जो जनरली हम क्लासेस में नहीं करते या हम खुद से नहीं करते। ठीक है, इसलिए उन्होंने एडवांस लेवल की मैथ पूछी थी, इसीलिए जो सी सेट है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सी सेट भी इसमें करवाया जाएगा, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, इसमें सी सेट करवाया जाएगा। बिल्कुल, जो YouTube पे हमारी क्लासेस चल रही है वो होंगी ही, वो रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी, सी सेट पे जो क्लासेस है वो रहेगी। अब बात कर लेते हैं, यदि ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी या भूगोल जिसको कहते हैं, भूगोल की बात करें, तो जो YouTube पे हमने क्लासेस स्टार्ट करी है उसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी, उसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरा जलवायु मंडल का जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जब हमारी पेड वाली क्लासेस होगी, इसमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब आपको करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें हम जियोमोर्फोलॉजी, जो भूमंडल है, उससे स्टार्ट करेंगे। हाँ जी मिक्की, मैं इस बार मेंस दे रही हूँ, प्री हो गया है, मेंस दे रही हूँ। क्लासेस कब से शुरू होंगी निधि? क्लासेस कल से शुरू होंगी, कल से, कल 29 जून है, 29 जून है, कल 29 जून है, कल से क्लासेस स्टार्ट है पेड बैच की। ठीक है, कल से स्टार्ट होगी बच्चे पेड बैच की। EMI क्रेडिट कार्ड से होगी, और जो EMI के लिए जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि EMI स्टार्ट करिए, EMI जो है वो क्रेडिट कार्ड से होगी। ठीक है, EMI का भी ऑप्शन है और वो किससे होगा, क्रेडिट कार्ड से होगा। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे EMI, बिल्कुल EMI का ऑप्शन है, और वो जो EMI का ऑप्शन है वो क्रेडिट कार्ड से होगा। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बिल्कुल आपके पास EMI का ऑप्शन है। देखो, आप यदि 8,700 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उस पे भी आपको EMI का ऑप्शन है। हाँ बच्चे, अरीशा कल से स्टार्ट होगी, बिल्कुल कल से है फाउंडेशन, कल से स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 29 जून 2022 से स्टार्ट होगा। टाइमिंग रहेगी शाम को 6 से 8:30 बजे की, ताकि आपकी कोई और क्लास भी हैम्पर ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, या जो भी मेंस। ठीक है, ये वाला आपको, और बाकी इसके बारे में जो पूरी डिटेल है वो आप अड्डा की साइट पे जाके देख सकते हैं। नहीं बच्चे, डेबिट कार्ड से नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड से होगा, यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो हो जाएगा। जो EMI का ऑप्शन है वो मैं फिर से बता रही हूँ बच्चे, जो EMI का ऑप्शन है वो किस पे है, क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल है। किस पे है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस पे EMI का ऑप्शन है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे है EMI का ऑप्शन, नहीं YouTube पे नहीं होगा। ठीक है, ये पेड क्लासेस में होगा, आपको बहुत सारी चीजें जो पेड क्लास में मिलेंगी, जैसे एथिक्स की क्लास है जो मैंने कहा अभी हमारे IAS सर लेंगे, क्योंकि उनका खुद के बहुत अच्छे मार्क्स थे एथिक्स में, तो वो आपको वहां पे एथिक्स पढ़ाएंगे, और एथिक्स की इंपॉर्टेंस हम सबको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है ये मेन्स में। ठीक है, इसी के ऊपर बेसिस पे आपका हो, तो वो जो है वो पेड क्लास में पढ़ाएंगे, तो कुछ चीजें ऐसी जो पेड क्लास में मिलेंगी आपको, बाकी मैक्सिमम चीजें यहाँ पे है ही। हाँ देखो, मिकी खुद बता रही है कि जो ऐप है उस पे जाके आप करोगे तो क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा किसी को कुछ और पूछना है जल्दी बताओ बच्चे, कोई और डाउट हो इसके अलावा। इसके अलावा किसी को कोई और डाउट हो? ठीक है, इसके अलावा बताओ किसी को कोई और डाउट हो, इसके अलावा क्लास के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, सॉरी यार, मुझे पता नहीं था मिक्की तुम लड़के हो, मुझे लगा लड़की हो यार, सॉरी। ये जो मिक्की जी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। ठीक है, देखो यार, ये बताने का जो मैं यहाँ पे आके आपको बताती हूँ उसका पर्पज यही है कि जब आप किसी यहाँ पे जो मैं आके बता रही हूँ उसका पर्पज यही है, पढ़ाने को मैं आपको अभी पढ़ा सकती हूँ, जो हमारी सुबह से शाम तक क्लास होती है,
ठीक है, जो हमारी सुबह से शाम तक होती है जो क्लास होती है उसमें हम यही पढ़ाते हैं आपको। यूट्यूब पे फ्री है, मेरी भी फ्री है, सबकी फ्री है। ठीक है, आपको आज आके कोर्स की डिटेल बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं कि मैम ये होगा नहीं होगा। ठीक है, ये सारी जो डिटेल्स है ये आपको कोर्स के लिए बतानी जरूरी है। मैम मेरे को डाउट हो रहा है, ठीक है, देखो क्लासेस का मैंने आपको बता दिया बच्चे। देखो जो भी होगा प्री प्लस मेंस प्लस सीसेट ये आपको कराया जाएगा, ठीक है, इसमें ऑप्शनल नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ इसमें ऑप्शनल नहीं है, लेकिन इसमें मेंटरशिप है प्लस सीसेट है, प्री है और मेंस है, और ये जो यहाँ पे लिखा है आपको सब कराया जाएगा। इससे पहले भी बैच कराए हैं, इससे पहले भी जो बैच हुए उसमें सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी टाइम से। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम आ गया, आपको एग्जाम को एक महीना है, ठीक है, आपके एग्जाम को एक महीना है लेकिन आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो विद इन 6 to 7 months पूरा, क्योंकि हमने क्लासेस का टाइम भी 2 to 2.5 hours इसीलिए रखा है, 2.5 hours का, शाम को 6 से लेकर 8:30 तक, वो भी हमने 2.5 hours का सिर्फ इसीलिए रखा है ताकि आपका सिलेबस पूरा हो सके। मैप की क्लास, मैपिंग की क्लास होती है, देखो यूट्यूब पे होती है डेली मैपिंग की क्लास दोपहर को 3 to 4 तक, जिसमें हम मैपिंग करते हैं। उसके अलावा जो है इसी में मैपिंग जो क्लास होती है उसमें डेली मैपिंग होता है, आप वो वाली क्लास अटेंड कर सकते हैं। और जो फाउंडेशन बैच है मैं फिर से कह रही हूँ उसका लिंक आया हुआ है। इसके अलावा किसी को डाउट है तो बताओ, वरना क्लास वाइंड अप करते हैं बच्चे। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? नमस्कार गुरमीत, आप लेट हो गए। ठीक है, ठीक है, यदि किसी को कोई और डाउट नहीं है तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और मैं फिर से बता रही हूँ कल शाम को 6 से है, बाद में यदि फीस बढ़ जाती है तो बाद में आप लोग ये मत बोलेगा, ये सिर्फ आज के लिए है बच्चे। कल से शाम को 6 यदि आप लेट होते हैं तो आपको एक दिन का भी लॉस होगा, यदि आप एक भी दिन लेट होते हैं तो आपको उसका लॉस होगा। तो कोशिश यही करनी है कि यदि आपको ज्वाइन करना है तो पहले से डिसाइड कर लो, ठीक है, यदि आपको पहले से ज्वाइन करना है तो पहले से करो, क्योंकि यदि आपकी एक भी दिन की क्लास मिस होती है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो रिकॉर्डेड है। ठीक है, देखो डिपेंड करता है विमल यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, डिपेंड करता है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 6 दे सकते हैं, यदि आप ओबीसी में आते हैं तो आप 9 दे सकते हैं, और यदि आप एससी एसटी में आते हैं तो आप अनलिमिटेड दे सकते हैं, कितने भी दे सकते हैं 42 साल की उम्र तक। यदि अब तक आप 42 के नहीं हो जाते तब तक आप कितने भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो फिर यहां पे सेशन एंड करते हैं। और इसी के साथ कल जो है आप लोगों को जिसमें से ज्वाइन करना है, क्या इसमें करंट अफेयर होगा? हाँ करंट अफेयर होगा भाई, बिल्कुल होगा। करंट अफेयर नहीं होगा तो प्रिपरेशन कैसे होगी? करंट अफेयर बिल्कुल होगा, करंट अफेयर भी होगा, और करंट अफेयर की जो ई बुक है वो भी दी जाएगी। ई बुक जो है अड्डा वालों की वो भी दी जाएगी। करंट अफेयर के बिना तो यूपीएससी की प्रिपरेशन ही नहीं है ना बच्चे, तो करंट अफेयर बिल्कुल होगा, तो करंट अफेयर बिल्कुल होगा, और करंट अफेयर के बिना प्रिपरेशन ही नहीं है। तो करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पूरा कवर कराया जाएगा, पूरे साल का, पिछले एक साल का यूपीएससी का पूरा करंट अफेयर कराया जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं आज की। ठीक है, यदि मैं फिर से कह रही हूं यदि आप ज्वाइन करना चाहते तो आपको पता है जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्टली जो है हमारी अड्डा की, या मैं फिर से बता रही हूँ बच्चे यदि आपको खरीदना है तो अड्डा की ऐप से खरीदना है। ऐप से आपको एक्स्ट्रा जो है वो 500 और का डिस्काउंट मिलेगा, तो अड्डा की ऐप से आपको परचेज करना है। ठीक है, और कूपन कोड के बाद ही आपको सस्ता मिलेगा, तो कूपन कोड लगाना है और उसके बाद ही परचेज करना है। ठीक है, चलो इसी के साथ कल मिलते हैं सुबह। ठीक है, और जो शाम को कल से 6 से बैच स्टार्ट हो ही रहा है फाउंडेशन, और मैं फिर से बता रही हूँ फाउंडेशन जो बैच है वो इतने में नहीं मिलता, आप चाहे तो मार्केट में कहीं भी पता कर लो, आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी।
ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं सुबह, चलो ठीक है, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।